प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली एक स्मृति का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक एप्रिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक एप्रिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक प्रमेय बताना चाहूंगा। प्रमेय है एक दशमलव तीन आपकी बुक में दिए बी क्या है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, ए क्या एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि ए का वर्ग बी से भाग होता है तब ए जो है वो भी बी से भाग होगी। ये हमारी प्रमेय कहती है। उसी प्रमेय की मदद से हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखो, पहले हमने माना वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या। अब आपको पता है प्रमेय संख्या जो होती है उसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं वर्गमूल 5 बराबर ए बटा बी। यहां ए और बी, ए और बी जो है ये सह अभाज्य पूर्णांक है और बी का मान जो है वो वहां पर जीरो नहीं है। सह अभाज्य क्या होते हैं? जिन पूर्णांकों के अंदर गुणनखंड अगर हम करें तो कोई भी गुणनखंड साधन है वो एक को छोड़ करके। अब इसको हम देखो वर्गमूल 5 बटा एक लिख सकते हैं, इसको ए बटा बी लिख सकते हैं। इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बी, ये हो जाएगा ए। अब क्या है, हमें दोनों तरफ फर्क करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम इसका दोनों तरफ वर्ग करें तो मैं यहां कर देता हूं और ए का भी यहां पर वर्ग करूं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 को दो बार गुणा करेंगे 5 और 5 बी की 2, ये हो जाएगा ए की 2। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, एक है। और यहां पर देखो इस 5 को मैं अगर इधर लेके जाऊं बी की 2 बराबर ए की 2 बटे 5, इसका मतलब यहां पर देखो हमारी प्रमेय काम में आएगी। ए का वर्ग है जो है वो 5 से विभाजित होता है तो ए भी है वो देखो यहां बी से विभाजित हो रही है तो यहां पर किससे विभाजित होगी, 5 से। यहां प्रमेय से ए का वर्ग ए की 2 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से भाज्य है। अब अगर हम देखें यहां पर ए जो है वो 5 से विभाजित हो रही है, मतलब कि ये 5 का गुणज है। मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, जैसे 5 के साथ 1 हो, 5 के साथ 2 हो, 5 के साथ 3 हो, तो यहां पर 5 इन सब में कॉमन है। अगर वो जो संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 उसका एक गुणज, 5 एक गुणनखंड होगा उसका, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, उसकी जगह पर हम एक पूर्णांक मान सकते हैं। जैसे इसको मैं मान लेता हूं a बराबर 5 c। यहां पर जो हमने माना है a बराबर 5 c, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, 5 b की 2 बराबर a की 2 है। तो यहां पर हमारे पास है 5 b की 2 बराबर a का मान हमें यहां पर बनना है ये 5 c और उसका वर्ग था समीकरण नंबर 1 में, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बी की 2, ये हो जाएगा 5 को दो बार गुणा करेंगे 25 और सी की 2, यहां पर ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 25, तो बी की 2 बराबर क्या आ गया 5 बच गया यहां पर और सी की 2। अब 5 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा सी की 2 बराबर, सी की 2 बराबर बी की 2 बटा 5। अब वही देखो इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ गई, b की 2 बराबर क्या है a की 2 बटा 5, तो वहां पर क्या है c की 2 बराबर b की 2 बटा 5 है। तो इसका मतलब इसमें भी यही प्रमेय यूज होगी, अगर b की 2 5 से भाग हो रही है तो b भी 5 से क्या होगा भाग होगी। तो यहां प्रमेय से b की 2 5 से
भाज्य है तो बी भी पांच से भाज्य होगी। बी भी पांच से भाज्य होगी। यहां से हमें पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है कि ए और बी से ए भाज्य नहीं है क्योंकि यहां ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है तो हमने माना वर्गमूल पांच एक प्रिमेय संख्या है। विरोधाभास वर्गमूल पांच एक अप्रिमेय संख्या है। हमने जो माना उसका विरोध हुआ क्योंकि हमने यहां पर ज्ञात किया ए और बी का, हमने कहा था कि स ए भाज्य है, उनका कोई सारा गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां पर इनका एक सारा गुणनखंड आया पांच, तो हमने जो माना वो एक गलत था, उसके विरोधाभास के कारण हमने यहां पर क्या सिद्ध कर दिया, वर्गमूल पांच एक अप्रिमेय संख्या है।